तथागत ने दिया मानवता का संदेश, भिक्कुओं ने दिया उसका उपदेश, और उससे मिला दुख मुक्ति का मार्ग। यूसी बुद्धा की खास पेशकश। भदंत धम्म सारथी के शब्दों से सुनिए धम्म उपदेश। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व के सर्वश्रेष्ठ महामानव तथागत बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता, बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथा के निर्माता, विश्व के प्रज्ञा के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर, सभी महामानों को मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे गुरु भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई, उनको नमन करता हूँ। यूसियन बुद्धा देखने वाले सभी श्रावक संघ, सभी का अभिनंदन करते हुए अपने बात को मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी जो विषय है कि जो हम आर्थिक दुर्बल अगर है, हम आर्थिक क्षेत्र में कमजोर है, हमारे पास भूख मिटाने के लिए पैसे नहीं है, हम भूखे प्यासे हैं, हमारे पास पैसे नहीं, खाने के लिए भी पैसे नहीं, दवा पाने के लिए भी पैसे नहीं, ऐसी अगर हम दुर्बलता से जिए तो समाज में हमारे ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो गए, वो सोचेंगे कि ये दुर्बल है, आर्थिक दुर्बल है, इनका शोषण कैसा किया जाए, इस बारे में नियोजन बनाया जाएगा। ये नहीं कि ये गरीब है तो उनको गरीबी से ऊपर कैसा निकाले, ऐसी इस बारे में बहुत कम लोग सोचेंगे। ये तो सोचने का काम है शासन का है, शासन इस बारे में सोचेगा। लेकिन जो सर्वसाधारण जो सामाजिक दुख हमने देखे, समाज में जो परेशानियां निर्माण हो गई है, समाज में जो शोषण होता है, तो किसका होता है शोषण? कि जो आर्थिक कमजोर है उनका शोषण होता है। जैसे आप किसान को देखिए, किसान के पास उतना पैसा नहीं होता है, आज अगर बारिश हो गई तो उनकी फसल आएगी, अगर बारिश नहीं हो गई तो उनकी फसल नहीं होगी, तो उन्होंने जितना भी पैसा लिया है उधार, तो पैसा चुकता नहीं, उनका ऋण की परत फेड़ नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी फसल निकल रही है और बारिश के तेवर बदल गए, और फसल अभी हाथ में आने वाले एक आधी बारिश आ गए, कोई जैसे जंतु ये कीड़े वगैरह जो होते हैं खेती पे रहते, वो हो गए तो पूरे फसल को भी ख़राब कर लेते हैं, जिसके लिए वो फवारनी वगैरह करते हैं खेत में। तो ऐसे समय में किसान काफ़ी मजबूर हो जाता है कि उसके पास पैसे नहीं रहते और हर एक प्रकार की परेशानियां उसको उठाना पड़ता है। तो ऐसे में एक नियोजन होना चाहिए कि उनको कैसे सामर्थ्यशाली बनाएं, उनको कैसे आर्थिक क्षेत्र में उनको कैसे मजबूत बनाएं, इसके लिए नियोजन होना चाहिए। शासन करे न करे, लेकिन हम लोग जो अपना नियोजन हमने बनाना चाहिए, अपना नियोजन आर्थिक क्षेत्र में मजबूत होने के लिए करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग आर्थिक दुर्बल होते हैं उनके ऊपर भी अत्याचार होते हैं। गरीबी में जैसे अभी किसान की फसल निकल जाती है, फसल निकलने के बाद वो इतने रून में रहते हैं, इतने तकलीफ में रहते हैं, तो वो जो फसल निकलती है
तो उसको वो तब के तब उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तो जब किसानों की फसल निकलती है तब वो अनाज के भाव कम होते हैं, अनाज के भाव कम रहते हैं। अब जब फसल जो व्यापारी जो उसकी फसल खरीद लेता है, उनके अनाज को खरीद लेता है, तो बाद में वो जमा करके रखता है, तो धीरे धीरे उसकी कीमतें बढ़ती जाती है। तो जो फसल निर्माण करता है, जो उत्पादक वर्ग है, उत्पन्न करता है, तो उसको कम फायदा होता है, काफ़ी कभी कभी तो फायदे के बजाय उसको नुकसान ही होता है। लेकिन जो बिचौलिया होते हैं, जो डीलर होते हैं, जो बीच के दलाल लोग होते हैं, इनको ज़्यादा फायदा होता है। आज देखो किसान गरीब हो रहा, लेकिन किसान के जो फसल निकलती है, अनाजों का जो व्यापार करते हैं, अनाजों का जो व्यापार करते हैं, किसान के खेत में जो फल उगते हैं, कोई सब्जी भाजी उगती है, उसके जो व्यापार करते हैं वो लोग आगे बढ़े। लेकिन किसान जो कि तो ही है वही है। इसलिए ये जो हमारे ऊपर जो परेशानी निर्माण हो रही है, इसके बारे में हमें काफ़ी चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। बाबा साहब को कहते थे कि जैसे किसी परिवार पे अन्य अत्याचार होता है तो वो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते, या पुलिस स्टेशन तक जाकर जाना, यानी देहातों में लोग रहते हैं, शहर के जगह पुलिस स्टेशन रहता है, वहाँ जाकर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते। हमने देखा है, कई देखा है, हमने भी उसको महसूस किया है कि कभी कभी बच्चों को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो बड़ी बड़ी बीमारी को दुरुस्त करने के लिए पैसा नहीं रहता है। तो ऐसे गरीबी में हम लोग कैसे जिए? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि तुम कोई भी ऐसे योजना बनाओ, पूरी तरह से हम शासन पे निर्भर न रहते हुए हमें कल्याण के लिए हमें स्वयं को सोचना है, समाज को सोचना है। ये सामाजिक दुख है तो समाज को सोचना है कि अपना समाज या फिर मानव समाज कैसे आगे बढ़े और मानव समाज का कैसा एक उद्धार हो। तो हम आर्थिक नीतियों के बारे में भी ये करें, प्रयास करें, जिसे उत्पादन प्रक्रिया में सुधार होने की आवश्यकता है। जिस चीज़ का हम उत्पादन लेते हैं तो जो नए नए टेक्निक तंत्रज्ञान आते हैं उसका हमने इस्तेमाल करना चाहिए। नई नई बातें जो होती है अच्छी फसल निकालने के लिए, फिर उसको जो खेती में ज़्यादा फसल उगाने के लिए जो नए नए कंपोस्ट मिलती है, तो उसके बारे में भी हमें सोचना है कि उत्पादन प्रक्रिया, कहने का मतलब है उत्पादन प्रक्रिया में भी हमें ख्याल देने की ज़रूरत है। नई नई चीज़ें अभी हम आगे बढ़ना चाहिए। कब तक हम मजूरी करते रहेंगे, कब तक हम किसान खेती में काम करते रहेंगे? तो हम भी एक व्यापार में निकले, हम भी कोई उत्पादन करें, इस बारे में भी हमें सोचना है। जैसे हमारे नागपुर में एक एक महिला ग्रुप है जो चंदामणि नगर के पास में कौशल्या नगर में एक महिलाओं का ग्रुप है। तो उन्होंने एक ग्रुप मिलकर के एक अचार बनाने का काम किया। तो उन्होंने हर प्रकार का अचार बनाया, जैसे हल्दी का अचार है, लहसुन का अचार है, आंवले का अचार है, अपने आम का अचार है, ऐसे अलग अलग चीज़ों का अचार बना करके, वो भी उसमें इस प्रकार अचार बना के उसमें कोई भी ऐसी केमिकल प्रक्रिया न करते हुए,
कोई भी ऐसा जो हानिकारक जो है वो कोई केमिकल न डालते हुए ओरिजिनल जैसे हम घर में बनाते हैं उसी प्रकार, एक गरीब महिला है उनका ग्रुप है, तो उन्होंने इतना अच्छा एक बिजनेस शुरू किया, स्टार्ट किया, अभी तो आगे बढ़ा नहीं, लेकिन इकट्ठा आके उन्होंने अचार का जो कार्यक्रम यानी एक उत्पादन शुरू किया, तो उससे बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं अगर समाज ने उसको मदद की, तो वो बिना केमिकल के जो है, और जो हल्दी जो कच्ची हल्दी रहती है, पक्की हम देखते हैं जो हल्दी पकी हुई वो अलग होती है, और कच्ची यानी खेत के खेत से जो कई किसान उसको बेचते नहीं, लेकिन उन्होंने वो कहीं से प्राप्त कर ली है, तो उससे जो हल्दी का अगर हम अचार खाए अपने भोजन में, रोज के भोजन में थोड़ा थोड़ा, तो काफ़ी अंदर की जो बीमारियां है उसके ऊपर भी निवारण हो सकता है, उसके ऊपर भी हम एक अच्छी मेडिसिन जैसी काम करता है वो हल्दी का। वैसे लहसुन का भी जो है, लहसुन अपने भोजन में होना चाहिए, खाने में रोज एक लहसुन की पकड़ी जो होती है वो खाना चाहिए, इस तब प्रकार। अब उन्होंने लोंचा बनाए, अचार बनाए, तो उससे एक दो तो हम रोज के भोजन में खाए तो उससे प्रकृति पे अच्छा असर पड़ता है। तो इस तरह से जो गृह उद्योग है, हम गृह उद्योग करें तो गृह उद्योग करने से भी हम आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कोई बिजनेस करें ऐसे बिजनेस के तरफ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उत्पादन प्रक्रिया के तरफ पापड़ बनाते हैं, अभी देखो ना महिला कितने आगे यानी सोच रही है कि पापड़ बनाना, अचार बनाना, बहुत ही आगे बढ़ सकती है अगर उन्होंने सोचा तो उत्पादन क्षेत्र में। उसी प्रकार वितरण प्रक्रिया में जो डीलरशिप होती है, वितरण प्रक्रिया होती है, उसमें भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। जैसे फैक्ट्री में जैसे कपड़ा होता है, साड़ियाँ होती है, सूरत में साड़ियाँ वगैरह होती है, तो सूरत की जो साड़ियाँ है जो फैक्ट्री से, कुछ महिलाओं ने उसकी डीलरशिप लेकर के डायरेक्ट अगर एक इकट्ठा साड़ियाँ लाए और लोगों को बेच दिए, महिलाओं को बेच दिए, तो कम पैसों में साड़ियाँ मिल जाएंगी और उससे समाज का भी भला होगा, समाज का भी कल्याण होगा, और जो महिला मंडल ये काम करते उसका भी आर्थिक स्थिति, मंडल की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। तो उसको कहते हैं कि वितरण प्रक्रिया में भी हम ये कर सकते हैं। देहातों में जैसे खेतों में धान की फसल होती है, धान अच्छा मिलता है, चावल अच्छे मिलते हैं, तो चावल का भी व्यापार कुछ लोग करते, महिलाओं ने भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो उत्पादन प्रक्रिया के साथ साथ जो वितरण प्रक्रिया है, डीलरशिप करने की बात है, उसमें भी आगे बढ़ना चाहिए। जैसे चमड़ा मार्केट है, आगरा में काफ़ी चमड़ा है, कानपुर में चमड़ा मार्केट है, तो वहाँ से अगर चप्पल वगैरह महिलाओं ने लेके यहाँ पर बुलाए, सिर्फ उनको पार्सल आ जाता है, स्वयं लाने की भी ज़रूरत नहीं, अगर ऑर्डर दे दे तो पार्सल में सब सामान आ जाता है घर में, और महिला का ग्रुप बना करके अगर वो महिलाओं में सेल कर दिए तो काफ़ी उनको जो चार गुना चीज़ की जो कीमत बनती है तो उससे उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा ना। चार एक जैसे 200 रुपए की चीज़ फैक्ट्री में मिलती है तो हम अगर नागपुर में हम लेते तो उसके 800 रुपया देना पड़ता है। फर्क इतना है कि उसमें पैकिंग रहता, डब्बा रहता, डब्बे में लेबल लगा हो रहता और सब उसमें चार्ज लगाए जाते हैं, दुकान का चार्ज, इलेक्ट्रिक का चार्ज, किराए का चार्ज, तो इंसान जो बैठता उसकी भी रोजी, सब मिला करके उसमें जो कीमत चार गुना बढ़ जाती है। तो हम वितरण प्रक्रिया में भी आगे आए तो हम वो चीज़ आधे कीमत में हम लोगों को दे सकते हैं।
तो ऐसे वितरण प्रक्रिया में भी हमने आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी जो है कि विक्रय प्रक्रिया, जो बेचने का काम है, तो बेचने का काम भी हम कर सकते हैं। अभी जो छोटे छोटे मार्केट में, जैसे वीकली बाजार भरता है देहातों में, हफ्ते का जो बाजार भरता है, या फिर छोटे छोटे दुकान हम देखते हैं, तो ऐसे में भी हम अपनी चीज़ों को बैठ करके, ना दुकान बनाने की ज़रूरत है, ना कोई किराया देने की ज़रूरत है, ना कोई मजदूर रखने की ज़रूरत है, ना उसके चाय पानी का खर्चा है। स्वयं को सामान लेके बैठ गए ऐसे चौक पे और अपन बेचना शुरू किया, तो धीरे धीरे अपना मार्केट बढ़ जाता है। मार्केट बढ़ने से फिर अपन भी आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हर प्रक्रिया में हम सहभागी हो, हर प्रक्रिया में, उत्पादन प्रक्रिया में भी हमारा सहभाग हो, वितरण प्रक्रिया में भी हमारा सहभाग हो, और जो मार्केटिंग है उसमें भी हमारा सहभाग हो। ऐसे हम आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए काम करें। शुरुआत में थोड़ी समाज को तकलीफ हुई, मैं मानता हूँ कि जैसे दलित समाज का कोई दुकान हो, आटे की चक्की कुछ दिन लगाए थे, अब हमें कई जगह से ऐसी बातें पता चलती है कि ये नहीं, ये तो दलित समाज की आटा चक्की है, तो वहाँ से कुछ सवर्ण लोग वहाँ से आटा नहीं, ये कर निकालने नहीं, आटा पीसने के लिए नहीं आते, कोई दलित समाज का दुकान है तो वहाँ पर नहीं जाते, ऐसे कुछ जगह बात चलती है। लेकिन सिटी के अंदर, बड़े सिटी के अंदर ये पता ही नहीं चलता कि आप कौन से समाज के हो, बड़े सिटी के अंदर ये बात नहीं चलती। तो हम व्यापार व्यवसाय में थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाए, और क्योंकि उसमें रिक्स तो होती है, बिना रिक्स से तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, रिक्स तो उठाना ही पड़ेगा, किसी न किसी को रिक्स उठाना पड़ेगा। व्यापार में कभी हानि भी होती है, कभी फायदा भी होता है, लेकिन व्यापार भी हम करें तो भी समाज के लिए अच्छा है। तो बाबा साहब यही चाहते थे कि आर्थिक दुर्बलता, अगर हमारे पैसा ही नहीं है, तो जैसे हमारे युवा है, आज हमारे युवा बी हुए हैं, उसके बाद में एमटेक हुए हैं, तो आज उनको काम नहीं है, तो 10,000 में काम करेंगे। कई एमए पढ़े हुए, पीएचडी हुए लड़के दुकान में कि नौकर रहते हैं, तो दुकान में नौकर रहते हैं तो कितना उसको मिलता है, 7-8 हज़ार मिलता है सिर्फ महीने का, तो उससे परिवार भी नहीं चल पाता ठीक से, क्योंकि उसके पढ़ाई के मान से, उसके एजुकेशन के मान से जो पात्रता है, उस पात्रता के मान से उसको जो अनपढ़ अशिक्षित लोग जो काम करते, अभी वो काम उनको करना पड़ा, और उनको कम भी, उसके लिए महीना भी कम आता है। तो ऐसे स्थिति में हमने ये सोचना चाहिए कि कई समाज के लोग हैं, जैसे इतर और समाज के लोग हैं, सिंधी समाज के लोग हैं, वो ज़्यादातर आपको व्यापार में, व्यवसाय में मिलेंगे, तो उनमें क्या ज़्यादा टैलेंट होता है, उनमें ज़्यादा बुद्धिमत्ता होती है, ऐसा नहीं है, वो हिम्मत करते आगे बढ़ने की। पंजाबी में देखिए, सिख लोग कहीं भी आपको मिल जाएंगे धंधे में, तो उन्होंने हिम्मत बढ़ाई, आगे बढ़े, वो आगे आने की, व्यवसाय करने की उन्होंने एक साहस जुटाया, साहस के कारण आज आगे बढ़े। मुस्लिम लोगों ने भी देखो, वो व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं, हर जगह दिल्ली से चीज़ें लेकर के आके वहाँ जगह बेचते हैं, तो वहाँ, तो इस तरह से हम जो बुद्धिस्ट है, दलित समाज के लोग है, या ओबीसी है, तो इन्होंने भी इस बारे में अभी सोचने की आवश्यकता है कि हम कब तक आर्थिक दुर्बलता सहते रहेंगे, तो हमें इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि एक ये फिलासफी है, यानी ये फिलासफी की बात है, आज उस फिलासफी को अगर हम माने तो एक हमें बहुत ही अच्छी सीख मिल जाती, बहुत ही अच्छा तथागत बुद्ध ने संदेश दिया इससे। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं कि
हर चीज ये होती है, वो हर चीज ये उपभोग की नहीं होती है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं होती है। तो हर चीज जो है वो उपयोग के लिए होती है, अपने दुख के साधन, दुख निवारण का साधन होता है। अगर इतनी भी बात अगर मान ले हम, तो ये बहुत बड़ा एक उन्होंने जो विजन दिया है हमको, बहुत बड़ा ऐसे एक तत्वज्ञान दिया है कि कोई भी चीज, यानी उसको ये मत समझो। जैसे गन्ने का है, गन्ने का देखो, गन्ने का हम उसको गन्ने का रस पीते हैं, रस पीने के बाद में जो गन्ना होता है बचा हुआ, जो गन्ने के रस निकालने के बाद में उसका जो कुचा रहता है वो, तो उसको अगर आप खड्डे में डालेंगे तो उसका बहुत बड़ा अच्छा कंपोज खत मिलता है, कंपोज उसको कर सकते हैं हम, अच्छा निर्माण कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ यानी हम जिसको फेंकने की चीज़ कहते हैं, अगर उसमें उपयोगिता अगर हम देखें तो हर चीज़ में उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है। ये बुद्ध का सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ अनयूटिलाइज नहीं होती, हर चीज़ में यूटिलाइजेशन होता है। अगर उसको हम उपयोगी समझे तो निश्चित तौर से हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर हम उसको उपभोग की चीज़ माने तो उसको उपभोग लिए फेंक दिए। तो बुद्ध का जो विचार है वो एकदम सटीक है और बहुत ही बड़ी फिलासफी है, इस पे हमें गौर करने की चीज़ है। तो बुद्ध बताते हैं कि कोई भी चीज़ है ये उपभोग लेने के लिए नहीं तो उपयोग लेने के लिए, हर चीज़ का हम उपयोग ले सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका हम उपयोग नहीं ले सकते, सिर्फ उसके लिए हमें चिंतन करने की ज़रूरत है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर हम इस बारे में सोचें तो कई चीज़ों का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, कई चीज़ों का। जैसे खेत में जो किसान है, जो तो अभी पूरा यूरिया वगैरह ये तो ऐसे खतों का वो इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो जानवरों से जो पत्ते जो होते हैं उसको सड़ा करके, जो कचरा जो उसको सड़ा करके उसमें अच्छा खत बना सकते हैं, उसको गांडूर खत बोलते हैं, वो जो उसका कितना वो खेती के लिए कितना उसको उपयोगी होता है वो किसानों के लिए। अभी हम जैसे घर में पेड़ लगाते हैं, छोटे छोटे पेड़ लगाते, कुंडी में पेड़ लगाते, उसमें कौन सा खत डालते, वही खत डालते जो बनाया जाता है, तो कितना महंगा रहता है, तो 1 किलो 15-20 रुपये का मिलता है, तो उससे उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ जाती, हम काफ़ी उसमें उत्पादन कर सकते हैं। तो ये हमें अभी सोचने की ज़रूरत है। पूरे जो बाकी राष्ट्र है, जो डेवलपमेंट का डेवलप कंट्री है, जिसका जो आगे बढ़ी हुई कंट्री है, उनमें यही सोचते हैं कि ये चीज़ फेंकने की नहीं, ये चीज़ उपयोगी है, उसका भी कुछ उपयोग हम कर सकते क्या। तो जैसे एक दो लोग गए थे, तो उन्होंने एक जैसे दोनों दूसरे अलग अलग राष्ट्र के थे, तो एक जापान का था तो एक ऐसे इंडिया का था समझ लो, तो उसमें उन्होंने गन्ना लिया, इतना बड़ा गन्ना लिया, तो हमने एक आदमी ने जिसको ज़्यादा समझता नहीं था पूरा खा लिया फेंक दिया, और लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग वाला था आदमी उसको थोड़ा समझ थी, तो उसने क्या किया, गन्ना खाया लेकिन पूरा नहीं खाया, उतने जो हाथ में मुठ पकड़ते हैं अपने मुट्ठी में आता इतना गन्ना बचा के रखा, और उसके छिलटे को ऐसे आकार बना करके गन्ने के अंदर ही उसको बना के ऐसा गोल ऐसा शेप बनाया, उसको गन्ने के जो ये होते हैं उसको बनाया, और उसके ऊपर अच्छे नए नए फूल डाल करके उसको एक पुष्प गुच्छा करके बेच दिया, तो गन्ने से ज़्यादा पैसा उसको खाने के बाद में भी उसकी प्राइस निकल गई, गन्ने से ज़्यादा पैसा उसको मिल गया है। तो पुष्प गुच्छे वगैरह कितने देहातों में अच्छे बनाते हैं। तो इस तरह से हम सोचे कि
आर्थिक आर्थिक क्षेत्र में भी हम कैसे आगे बढ़े, इस बारे में हमें सोचना है। क्योंकि आर्थिक दुर्बलता में हम रहेंगे तो हमारा काफ़ी नुकसान होगा। हमारे पास काफ़ी टैलेंट लोग हैं और मैं यहाँ पर ही अपना जो समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत।